हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यार हमने फ्रेशर देने के लिए सोचा हुआ है, तो 14 तारीख को हमारी हम फ्रेशर देने वाले हैं अपने जूनियर्स को। तो आज हमारा बंक है। वैसे बहुत ही पहली बार, एक तो पहली बार पता है, पहली बार हमारे बैच ने पूरी तरीके से बंक किया है। मतलब हर बार यही होता है, बंक होगा उसके बाद कुछ 4-5 पहुंच जाते हैं। यार हमें तो फिर पता चलता है, हम यहाँ सोए पड़े हैं और पता चलता है यार सब पहुंच गया कॉलेज के लिए। फिर क्या, जल्दी जल्दी दौड़ो, उठो, उसके बाद जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। फिर लेकिन आज फाइनली बच्चों ने सोचा है कि आज हमारा बंक होगा। तो आज वैसे सुबह से तो बंक नहीं हुआ, फिर भी एक क्लास हुई थी जिसमें काफी लोग तो सोए ही रह गए, लेकिन फिर भी हम तो गए ही थे। भाई मैं तो गई थी, क्योंकि मैं उठ गई थी 7:55 पे, उठ गई थी मैं यार। फिर कॉलेज से आ गए, फिर उसके बाद से ही फुल बंक है आज हमारा। और हमारी दोस्त यार बेचारी बहुत परेशान है, इतना परेशान है, दिन भर दौड़ी रहती है, डेकोरेशन में लिया है उसने पार्ट, इतना मेहनत कर रही है। लेकिन फिर भी अभी कल तो कल का एक्सक्लूसिव आप लोग को तो दिखाने बनता है, बहुत ही शानदार। आई थिंक मुझे तो मैंने भी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे बैच के लोग हैं, हम लोग हैं, अपने जूनियर्स को बहुत ही अच्छा देंगे। आई होप सो, हमारी ओर से जितनी भी चीजें तैयारी की गई हैं सबको अच्छा ही लगे, जूनियर्स को भी अच्छा लगे, वो भी पसंद करें। बाकी तो जो भी थोड़ा बहुत कम रह जाएगा तो कुछ होगा आगे, तो फिर दिया जाएगा, सब कुछ संभाल लिया जाएगा बाद में। तो आज मैं जब से बंक हुआ है तब से मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, बताइए मैं कब से बैठी हुई हूँ रूम में और फिर फोन चला रही थी कुछ। और फिर आज सबसे बड़ी दुख की बात है, आज मेरी दोस्त वो नहीं जा रही है फ्रेशर में, जा रही है घर। बताइए ऐसा कौन करता है, शादी में उसके घर, वो शादी में जा रही है, हम अकेले ही जाएंगे आज। एक है डेकोरेशन में डीबीजी है, एक है जो घर ही जा रही है। अब मेरा क्या होगा, मैं अकेली और कहीं मेरी बेचन मेरी रूममेट्स वो तो पढ़ ही रही है, एक तो पढ़ ही रही है और एक का तो वो भी खैर मेरी ही तरह है, जब देखो तब सोती ही रहती है। हम लोग बस फुल ऑन मस्ती में रहते हैं हमेशा, जब पेपर आता है तब उसके एक दिन पढ़ते हैं हम लोग, तब जाके पेपर पर देख के आते हैं, पास हुए तो हुए, नहीं तो फिर क्या, फिर मेहनत करना पड़ता है अगले आगे। वैसे दोस्तों आप सब कैसे हैं, मैं तो ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ यार। वैसे मैं शुरू क्यों हुई हूँ अभी तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग या फिर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर आपका मन है तो। मैं ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करना नहीं चाह कहना नहीं चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो और आपको मेडिकल की चीज़ें और भी देखनी हो, वैसे यहाँ पे कुछ होता नहीं है यार। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं कहाँ ही आ गई हूँ। उस दिन मैं सोचती हूँ कि क्या, मुझे हमेशा पछतावा रहता है, क्यों मैं मेडिकल फील्ड में आई हुई हूँ। इतना मेहनत करना पड़ता है यार यहाँ पे, सब पढ़ते रहते हैं, जब देखो तब पढ़ते रहते हैं, और हम जैसे नल्ले बच्चे ही हैं जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और फिर कम में ही सलट जाए, यही सोचते हैं। और वैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ आ गई हूँ इसलिए कहती हूँ, मेडिकल कॉलेज ऐसा वैसा है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, तैयारी करोगे आ जाओगे आप भी, फिर बाद में मेरी तरह ही कहोगे यार क्यों कहाँ आ गए हैं। बाद में तुम सब भी कहोगे कि कहाँ पे ही आ गए हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअली ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, आप लोग को एक बार जब आ जाओगे यहाँ पे तो ऐसा लगेगा कि अब खाली हो गए, पर ऐसा होता कुछ नहीं है, खाली वाली कभी नहीं हो सकती यार। 19 सब्जेक्ट में यहाँ पे, मैं तो 4th ईयर का सब्जेक्ट जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार मैं कैसे पढ़ूंगी, इतना सारा सब्जेक्ट है 4th ईयर में। फिर भी 2nd 3rd ईयर में तो कम है, लेकिन 4th ईयर में हे भगवान, इतना सारा सब्जेक्ट है कि क्या ही कहूँ मैं। अब कभी देख लेना यार, नेट पे सर्च कर लियो कभी अगर तुम लोग का मन हो देखने का, तो मर जाओगे पहले सब्जेक्ट से ही देख करके। वैसे भी आज मैं सुबह बहुत लेट में उठी तो नहा भी नहीं पाई, अभी मैं नहा करके आ रही हूँ। फिर खाना मैंने नहाने से पहले ही खा लिया, आज मैंने खाना पहले ही खा लिया था, फिर आ गई मेरी रूममेट भी। कुछ नहीं, बस बता रही थी कि आज हमारा बंक चल रहा है और हमने आज सुबह से कुछ भी पढ़ाई नहीं की। हाँ यार, मैंने
वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारी ये है कि हम हमारा थीम है साड़ी पहन के जाएंगे, और सबसे बड़ी बात हमको पहनने नहीं आती है साड़ी। आपको आती है? मेरी रूममेट को भी नहीं आती है। खैर उसने तो मैंने कभी पहनी नहीं। वो कह रही है उसने कभी पहनी ही नहीं है साड़ी। खैर उसने क्या कहते हैं, वैसे उसकी साड़ी नहीं, वो तो खुद ही लहंगा अपना लेके आई थी, पूरा फुल टू एकदम साड़ी वे में है वो, तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साड़ी हमें नहीं पहननी आती है, अब देखिए कल क्या ही करते हैं। ठीक है यार, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी थोड़ा कुछ करने का मन कर रहा है। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।